हाय, माय नेम इज स्नेहा। मुझे डॉक्टर के बारे में जब पता चला तो मैंने कंसल्ट किया, तो मैं अपनी नोज शेप के बारे में ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। मेरी नोज बहुत प्लेन थी, तो जब मुझे पता चला मैं डॉक्टर के पास आई, आफ्टर 10 डेज बाद मेरा प्लास्टर हटा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्लास्टर हटा। मेरी सर्जरी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, मेरे सोचे से ज्यादा अच्छा हुआ है और ज्यादा बहुत अच्छे से बनाया और ज्यादा दुख दर्द भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा, मैं नया जी एक चीज बताओ ना, आपको जैसे नोज में जैसे बेसिकली प्रॉब्लम थी, आपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट भी किया जी, डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि इसकी जो है सर्जरी करानी है, आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा ऐसा? थोड़ा सा लगा था, पर फिर उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड किया प्रॉपर। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप एक बार नहीं, आप मुझे दो बार दोबारा आके पूछो कि नेहा क्या प्रॉब्लम है, मैं आराम से बताऊंगा, पर डरो मत, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आपने जब सोचा, आपने जब कई सारे दिमाग में जो है सर्जरी के लिए बातें थी, अभी जैसे आज आपका प्लास्टर हटा है, नाउ कैसा आप फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं, बट मैं प्लास्टर उस टाइम में मैं सर्जरी से बहुत ज्यादा डरती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कोई आके जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड किया सर ने, तो इसलिए मैं एग्री भी हो गई कि हाँ सर मुझे कराना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, एंड वो पता नहीं उनको वह डर होता है कि उसके मारे में, डर के मारे इलाज नहीं कराते, या तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे नेहा अपने अपने उन लोगों को? इसमें ज्यादा डरने की तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो प्रॉपर अच्छे से, वो आपको कंसल्ट करेंगे अच्छे से बताएंगे, एक बार नहीं दोबारा आइए पता कीजिए। और मेरा मानना है कि एक दो बार पता करके फिर अपना जो भी सर्जरी या नाक पे कोई भी एनीवे कोई भी प्रॉब्लम हो कंसल्ट करके करा सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आगे जाके। yes. बिल्कुल, वेल, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जैसे नेहा जी को बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो इनको हम अगर नोज का डिस्कशन करते हैं, तो बेसिकली ये इनका जैसे बेसिकली नोज था, तो बेसिकली फ्लैट नोज था जी। ये जो फ्लैट नोज क्या है हमें अच्छा नहीं लगता, ये नोज क्या है काफी फ्लैट है, तो जब फेस के अकॉर्डिंग जब नोज नहीं होता, जो ऐसा फ्लैट नोज हमें अच्छा नहीं लगता, अगर आप देखोगे तो ये नोज काफी फ्लैट है, सो ये जो नोज का जो लुक था ये इनको अच्छा नहीं लगता। फिर हमने इनका ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, एक रिब का पार्ट लेके नोज बेसिकली बनाया, एंड आपके सामने 10 डेज बाद जैसे इनका एक नोज है, नाउ सी फील वेरी वेल, नोज से आराम से ब्रीदिंग हो रहा है, नोज जो है आराम से अकॉर्डिंग टू द फेस अच्छा फील हो रहा है। सो ये ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी है, इसमें बेसिकली हमें डरना नहीं चाहिए, एंड डॉक्टर से यस, जैसे नेहा जी ने कहा कि जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है और डॉक्टर जहाँ पे उस चीज को कैपेबल है, वहां हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू।